सो गाइज, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। निकल गया हूँ अपना लास्ट एग्ज़ाम देने के लिए। आज ये एग्ज़ाम मेरे ओवर हो जाएंगे, फिर ये जो दौड़ भाग हो रही है ना, घर से बरेली, बरेली से पवाया, ये ख़त्म हो जाएगी। मौसम, कल रात भी बारिश हुई थी यहाँ पर, और अभी भी चांसेस लग रहे हैं बारिश होने के, तो देखते हैं होती है नहीं होती है। सो गाइस, पहुंच गया हूं मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर, और आज खुशी है कि आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद नहीं जाना है, यानी इतना दूर नहीं आना है। सो गाइज, हो गया है हमारा एग्ज़ाम, चलते हैं। और बादल हैं यहाँ बहुत भयंकर वाले, इसका मतलब है बारिश होने वाली है, दिख रहा होगा आपको बादल। तो चलते हैं रफ्तार से भाई घर, और आज बैंक भी आना है, क्योंकि वो बैंक का जो काम था मेरा वो स्टिल पेंडिंग है, हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि उनके यहाँ कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो चलते हैं अभी, देखते हैं अगर आज काम हो जाता है या नहीं होता है, क्योंकि कल से तो बरेली ही रुकना है, फिर तो सैटरडे में आया करूँगा। गया हूँ अपनी गांव की टूटी सड़क पर, और बड़ी दिक्कत होती है इस सड़क में, क्योंकि पत्थर जो होते हैं वो लूज़ होते हैं, टायर में कट लग जाता है कभी कभी, और बारिश का मौसम बन रहा है, इसलिए मैं बैंक नहीं गया। तो नंबर मेरे पास है, मैं उनको आज कॉल कर लूँगा पहले कि भैया कनेक्टिविटी आ रही हो तो हम आएँ भीगते हुए, वरना कार से चला जाऊँगा, और नहीं कनेक्टिविटी आपकी आ रही है तो नहीं आते हैं भाई, आगे कभी देखा जाएगा। लेकिन वो मेरा ATM काम कर नहीं रहा है, और आज कल ऐसा हो रहा है कि मेरे दोनों ATM हैं, दोनों ATM जो हैं एक्सपायर हो गए हैं, वो भी नहीं हो पाया है, मैंने री इशू करा पाया है, और ये भी ये हुआ है, तो इसका KYC इनकम्प्लीट है। तो पहुंचते हैं अभी तो घर। सो आ गया हूँ घर, और टाइम हो गया है 11:40, बारिश नहीं मिली, ये अच्छी चीज़ थी, वरना बहुत बादल है रास्ते में, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बादल है, दिखाते हैं अभी, चेंजर पे चलते हैं बाहर। सो अभी टाइम हो गया है 1:13, मैं सो गया था आकर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो अभी हमारा लंच का टाइम हो गया, करने जा रहा हूँ लंच, और लंच करने के बाद मैं फिर से सो जाऊँगा, क्योंकि मैंने कॉल किया था वहाँ पर बैंक में, वो उनका पिक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आज काम नहीं हो पाएगा, तो नींद पूरी कर लेता हूँ, सुबह 4:30 उठना पड़ा था। सो गाइस, उठ गया हूँ सोकर, और चलते हैं बाहर, वॉलीबॉल का मैच होने वाला है, कॉल आ गई है मेरे पास, तो चाय बाद में पीऊंगा आके, डायरेक्ट चलते हैं वॉलीबॉल ग्राउंड पर। तो जा रहे हैं हम अपनी ग्राउंड की तरफ, वॉलीबॉल का आज मैच होगा, और वही मैच कोल्ड ड्रिंक या समोसे लगकर होता है, ग्राउंड थोड़ा सा गीला है लेकिन वॉलीबॉल हो जाएगी। तो ये हैं हमारे ऋतिक जो अपनी टीम लेकर आए हैं, हमारे यहाँ की टीम जो है प्रैक्टिस करने वाली, उसके साथ इनका मैच होगा, हम लोग तो नहीं खेलेंगे, जूनियर टीम खेलेगी, इनकी टीम आ चुकी है, ये बैठी हुई है। सो दोनों टीमें सेट हो गई हैं, सामने जो टीम खेल रही है वो हमारे यहाँ की टीम है, हमारे लोकेलिटी की टीम है जो प्रैक्टिस यहाँ करती है, ये है दूसरी लोकेलिटी की टीम, और ये है यहाँ की प्राइज मनी, 90 एक टीम के, जो टीम जीतेगी उसको मिल जाएंगे। जूनियर मैच है तो कम ही पैसों से हो रहा है, तो दिखाते हैं इस मैच की आपको ग्लिम्स इस वीडियो के थ्रू। तो टॉस जीत कर दूसरी लोकेलिटी ने सर्विस चूज की है, और ये है हमारी लोकेलिटी की टीम, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर आपके अंपायर नंबर 1, और वो हैं अंपायर नंबर 2।
वो स्टार्ट होती है, ये है लाइन एम्पायर फर्स्ट सर्विस। होल्ड हो चुकी है बॉल और चेंज हो गया है यहाँ पर। ऋषभ की सर्विस, फिर चेंज हो गई है सर्विस यहाँ पर। तो एक पॉइंट हो गया है हमारे ये पुत्तन जो है, जो स्पाइकर है वो फाउल हो गए हैं। बनलव सर्विस कंटिन्यू। टू लव तो लव टू पॉइंट है यहाँ पर। अभी सर्विस किया ऋषभ ने, चेंज हो गई है फिर से सर्विस। टू लव स्कोरिंग चल रही है। फाउल हो गए हैं। फिर चेंज हुई है, लव टू के साथ सर्विस की है, फिर चेंज हो गई है। टू वन पॉइंट है। टू ऑल थ्री ऑल्स हो गए हैं पॉइंट। फोर थ्री फाइव थ्री, बहुत ही अच्छी सर्विस कर रहा है ऋषभ। तो मैं बीच बीच में आपको पॉइंट बताता रहूंगा, वरना जो ब्लॉग है बहुत लंबा हो जाएगा। चेंज हो गया यहाँ पर, 3-5 पॉइंट है। तो अब मैं आपको कंटिन्यू पॉइंट बताता रहूंगा। पॉइंट हो गए हैं 10-7, शिव ने किया सर्विस। अब बहुत सही चेंज ले लिया है यहाँ भूरे ने। आउट खेल ली थी। आठ दस हो गए हैं पॉइंट। अभी गेम अच्छा चल रहा है। अभी ये जो टीम है लीड कर रही है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। होम ग्राउंड की टीम जो है गंदा खेल रही है। पॉइंट हो गए हैं 12-8।
13:08। चेंज हो गया यहाँ पर 8:13। बढ़िया 9:13। आउट मारी है सर्विस, चेंज हो गया है 13:09। किम बॉल है इस साइड से, नेट में मार दिया उन्होंने। गेम बॉल है इस टीम से। इन्होंने आउट किया सर्विस, चेहरा दिखा दो। इन्होंने 50 रुपए लगाए थे। ऋषभ अब कुछ कह रहे, ग्यारह चौदह 12:14 टीम कमबैक कर रही है, 12:14 हो गए हैं। तेरह चौदह हो गया पर स्कोर। थर्टीन फोर्टीन। फोर्टीन ऑल। बेस्ट ऑफ टू का गेम हुआ है यहाँ पर। अमित खुश हो गए हैं। चेंज हो गया है 14, बेस्ट ऑफ टू गेम है। एक बनाने के बाद फिर से चेंज हो गया है। अरे इसे थोड़ी खिलाने हैं यार, यहाँ पे तुम लोग खुद दिमाना लगा रहे हो। फोर्टीन ऑल। Oh.
15 गेम बॉल बहुत अच्छा कमबैक किया है फिर से चेंज हुआ है 14-15 का गेम है उधर से गेम बॉल है पॉइंट है अभी 15 ऑल फाउल अरे राजा फाउल ऊपर से फाउल है गेम बॉल अब गेम पॉइंट है रिसेप कर रहे हैं सर्विस और जीत लिया है होम ग्राउंड टीम ने मैच 90 रुपए का मैच था बहुत ही अच्छा कमबैक किया था आपने देखा ही होगा सो आ गया हूँ वॉलीबॉल खेलकर क्योंकि उनका मैच होने के बाद हमारा मैच हुआ था काफी देर तक हम खेलते रहे और फिर अभी मेरा एक प्रसाद पेंडिंग है तेलहर के पास एक मंदिर है हनुमान जी का वहाँ का तो मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद चलेंगे प्रसाद चढ़ाने तो मिलते हैं नहाने के बाद सो आ गया हूँ नहाकर लेकिन प्लान जो है हमारा पोस्टपोन हो गया है क्योंकि अगले कुछ मतलब शिखर को भी प्रसाद चढ़ाना था तो वो बोला है कि अगले से ट्यूजडे को चलेंगे उधर से ही बरेली से ही आ जाएंगे तब हम चलेंगे प्रसाद चढ़ाने और वैसे भी अभी रात हो गई है कवर आवर के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है तो आज नहीं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट ट्यूजडे को चलते हैं तो मैंने कहा ठीक है पोस्टपोन कर देते हैं आज का तो अभी चलते हैं बाहर थोड़ी देर टहलते हैं फिर पियेंगे चाय साय सो हो गया है हमारे डिनर का टाइम क्योंकि बाहर हुई है बारिश तो मैं नहीं गया तो करने जा रहा हूँ अपना डिनर डिनर में है हमारा अरवी की सब्जी पराठे और चाय क्योंकि चाय मैं नहीं पी पाया था नहाने के बाद मैंने सोचा था मंदिर जाऊँगा उसके बाद लौट के पीऊँगा तो अभी करने जा रहा हूँ चाय के साथ अपना डिनर करके आ गया हूँ मैं बाहर टहलने के लिए अभी तो अकेला हूँ एक लड़के को मैंने कॉल किया है वो भी आ रहा होगा थोड़ी देर में मैं और वो टहलते हैं काफ़ी देर तक बारिश हल्की टिप 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 वाली हो रही है और पीछे से आपको बहुत साउंड आ रही होगी ये फ्रॉग और क्रिकेट की साउंड होती है तो टहलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट फिर जाके सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना होता है स्कूल के लिए अराउंड 4:30 उठ जाता हूँ और 5:10-5:15 तक निकल जाता हूँ तो टहलते हैं फिर चलते हैं सोने सो गाइस आ गया हूँ टहल कर अंदर और टाइम हो गया हमारे सोने का क्योंकि कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर मुझे जाना है बरेली और वहीं स्टे करूंगा वापस से ही आऊंगा काफ़ी दिन से मैं दौड़ भाग कर रहा हूं तो इसी के साथ एंड अप करते हैं आज के इस ब्लॉग को ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें सो डैट आने वाले वीडियोस की लिंक्स आपको मिलती रहे या आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जय हिंद की सेना